नमस्कार दोस्तों, 14 दिसंबर से शुरू हो रही भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा टीम से बाहर हो गए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे वनडे मैच में फील्डिंग करते समय रोहित शर्मा की उंगली में काफ़ी चोट आ गई थी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा ने उस मैच के लास्ट में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, लेकिन टीम इंडिया को जिताने में भी सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद रोहित की जगह के राहुल को टेस्ट में कप्तानी के लिए सिलेक्ट किया गया है। वह इस दौरे के लिए उप कप्तान भी बनाए जा सकते हैं। वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी चोटिल होने की वजह से इस सीरीज में बाहर हो सकते हैं। मोहम्मद शमी की जगह तेज गेंदबाज मुकेश कुमार या उमरान मलिक में से किसी एक को टीम में शामिल किया जा सकता है। मुकेश पिछले कुछ समय से भारत ए टीम के लिए शानदार गेंदबाजी भी कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, रोहित की जगह टीम में आने के बावजूद के राहुल और सुमन गिल दोनों टेस्ट में ओपनिंग करते दिख सकते हैं। वहीं इस टीम में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की भी टीम में वापसी हो सकती है। रविंद्र जडेजा को घुटने में चोट लगी थी, जिसके बाद उनकी सर्जरी भी हुई थी, तब से वह टीम इंडिया से बाहर है। जिसके बाद दोस्तों, सिलेक्टर सूर्य कुमार यादव को भी टीम में सिलेक्ट करने की सोच रहे हैं। सूर्य कुमार यादव पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें टेस्ट मैच में जल्दी मौका मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव कितनी शानदार बल्लेबाजी करते हैं और ऐसे होनहार खिलाड़ी को टीम में मौका जरूर देना चाहिए। सूर्य कुमार यादव ने कई मौकों पर टीम इंडिया को जिताया है, जिसको देखकर सूर्य कुमार यादव की टीम में वापसी हो सकती है। यही नहीं दोस्तों, टीम इंडिया तीन स्पिनर के साथ मैदान पर उतर सकती है। अक्षर पटेल भी टीम इंडिया में है। वहीं बैकअप के तौर पर बाएं हाथ के स्पिनर सौरभ कुमार को भारतीय टीम से बुलाया जा सकता है। सौरभ कुमार अभी भारत की ए टीम के साथ बांग्लादेश दौरे पर है। तो दोस्तों, टीम इंडिया में इन नए खिलाड़ियों के शामिल होने से हम आशा करते हैं कि टीम इंडिया टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करे, क्योंकि टीम इंडिया वनडे सीरीज तो पहले ही गंवा चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।